हाय गाइस, वेलकम बैक टू राज चैनल ब्लॉग्स। राज चैनल ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ राज। बातचीत करेंगे नोवल कोरोना के बारे में। नोवल कोरोना वायरस जैसे कि वुहान शहर से निकल के आया है, मीट मार्केट से। बोलते हैं कि एनिमल्स के अंदर जैसे कि चमगादड़ से, स्नेक से, स्नेक में कोरोना वायरस पैरासाइट्स थे, तो उधर से आदमी ह्यूमंस में आया। तो ऐसी बहुत सारी डिटेल्स है कि कोरोना वायरस एनिमल्स से निकल के ह्यूमन में आ चुका है। एक टाइप का स्पोकी टाइप का एक वायरस है, ये एक फैमिली वायरस है सब वायरसेस का, तो उसको बोला जाता है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस के बारे में ये था थोड़ी सी जानकारी, अगर आपको ना पता हो तो। जैसे कि आप लोग जानते हो, चाइना से, वुहान शहर से निकल के आया है। चाइना में ही अब तक 14,411 लोगों की ये कोरोना वायरस केसेस रजिस्टर हो चुका है। बाद में 2,110 केसेस सीवियर कंडीशंस में चल रहे हैं कोरोना वायरस का, और 304 लोगों की चाइना के अंदर अब तक मौत हो चुकी है। जैसे कि आप लोग जानते हो, 23 कंट्रीज के अंदर अब तक ये कोरोना वायरस फैल चुका है। जैसे कि 146 केसेस कंफर्म्ड है अब तक आउटसाइड चाइना, और एक डेथ भी हो चुका है फिलीपींस के अंदर। जैसे कि अभी 2009 में H1N1 वायरस मशहूर था, जैसे कि 2014 में पोलियो का ये ज्यादा था, ऐसे ही 2014 और 2019 में एबोला का वायरस आया था, 2016 में जीका का आया था, अभी 2020 में आया है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस एक बहुत ही खतरनाक वायरस है, जिससे कि आप खांसने से या छींकने से, ड्रॉपलेट भी अगर आपको खांस से निकल के आ जाता है तो आपको वायरस हो जाता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है। तो सावधानी बरतनी बहुत ही जरूरी है। तो इसके बारे में मैं दूंगा आपको जानकारी, क्या करना है क्या नहीं, तो स्टे ट्यून्ड। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि डॉक्टर टेड्रोस ने, WHO के जो हेड है, पब्लिक हेल्थ इंटरनेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया उन्होंने। तो इसलिए आप जब भी बाहर जाए तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। रेगुलरली हाथ धोए, मीट वगैरह ना खाएं, N95 का मास्क डाल सकते हो आप लोग। अगर क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हो तो मास्क डेफिनेटली यूज करें। कोई खास रहे छींक रहा है तो उनसे दूरी बरते। बाद में अगर किसी से हाथ मिलाना है तो हाथ मत मिलाएं, ज्यादा से ज्यादा नमस्ते बोल के निकल जाए, हाथ मिलाना से बचे। बाद में अगर होटल्स वगैरह में, रेस्टोरेंट्स में जाते हो तो स्पून ना लें। स्पून से भी अगर स्पून ठीक से धोया नहीं है, अगर उसको कुछ कोरोना वायरस नहीं कुछ दूसरा होगा तो आपको हो सकता है। ठेले पर का खुला पड़ा हुआ खाना ना खाए, फास्ट फूड ना खाए, जैसे कि पानीपुरी, शेवपुरी, ये हो गया, बाद में फ्रूट्स हो गया, ना खाए। प्रोसेस्ड पैक्ड फूड ना खाए, मीट ना खाए। बाद में क्राउडेड प्लेसेस लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स वगैरह अवॉइड करें। तो ऐसे कुछ अगर आप लोग सावधानी बरतते हो तो आपको कोरोना वायरस नहीं, दूसरी कुछ भी अगर दूसरी कुछ बीमारी या वायरस से आप लोग बच सकते हो। जैसे कि आप लोग जानते हो, इंडिया में 3 केसेस अब तक रजिस्टर हो चुके हैं कोरोना वायरसेस के। 2 मध्य प्रदेश में थे, टेस्टिंग चल रहा थे, 2 लड़के लोग जो चाइना से लौटे थे फिलहाल में, तो उनका टेस्टिंग चल रहा था, वो तो हॉस्पिटल से ही भाग गए। तो ऐसे तो हॉस्पिटल में भागने के बाद हॉस्पिटल के जो डॉक्टर और नर्स थे उन लोगों में अफरा तफरी मच गई। तो ऐसा अभी 3 लोगों का तो फिलहाल में डिटेक्ट हो चुका है कि कोरोना वायरस उनको है, जो चाइना से आए थे, स्टूडेंट लोग थे। फर्स्ट जो केस डिटेक्ट होता है एक लड़की का था, तो जो केरला में थी वो। तो अभी और 2 नए केसेस 2 दिन में ही रजिस्टर हुए हैं जो चाइना से आए हुए हैं। तो अभी एयरलिफ्ट भी हुआ है 300-400 लोगों को चाइना वुहान शहर से, जो हमारे इंडियन भाई लोग फंसे हुए थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ से एयर इंडिया का फ्लाइट भेज के कुछ करोड़ लोगों को भेज के वहाँ से उन्होंने एयरलिफ्ट किया शनिवार के दिन। हमारे हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स लोग थे या कोई वर्किंग लोग थे जो वुहान शहर में थे, तो उनको एयरलिफ्ट करके दिल्ली और पंजाब के एक हॉस्पिटल में इंसुलेटेड जो हॉस्पिटल होते हैं स्पेशली डिजाइन फॉर कोरोना पेशेंट्स, तो उन लोगों को वहाँ पे 20 दिन के लिए रखा गया। मतलब 2 या 3 हफ्ते तक उनका ट्रीटमेंट देखा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा कि उनको कोरोना तो नहीं। और कोई लोग अगर कोरोना से पेशेंट अगर नहीं है, फिर भी आपको अगर खांसी बीमारी, जैसे कि अगर आप चाइना से लौटे हो, अगर आपको खांसी है, बुखार है, चेस्ट पेन है, लोअर बैक पेन है, या बहुत दिन से कुछ थकावट सी लग रही है, या कुछ आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रह रहा है, तो आप लोग डेफिनेटली जाके आप लोग हॉस्पिटल को कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाइना से लौटे तो डेफिनेटली करें, क्योंकि आपका नहीं तो आपके आसपास के लोग, होने वाले लोगों को
तो हो सकता है बीमारी अगर आपको कोरोना वायरस हो तो। अगर आप अर्ली स्टेज में अगर आप जब जाके वहाँ पे कांटेक्ट करते हॉस्पिटल में अगर एडमिट हो जाते हो, अगर आपको कोरोना नहीं दूसरा होगा तो ठीक ही हो ही जाएगा। अगर कोरोना भी होगा तो उन लोगों को ट्रीटमेंट करने में आसानी होगी। वैसे तो ट्रीटमेंट के लिए उनके पास मेडिसिन नहीं है अभी कोई एंटी मतलब वायरसेस वगैरह के लिए, उनको एंटीवायरस कुछ है नहीं उनके पास, मतलब मेडिसिन नहीं है, कुछ दूसरे मेडिसिन से काम चला रहे वो लोग। और अगली स्टेज में होगा तो उनको एटलीस्ट क्योर करने के लिए आप उनको हेल्पफुल होगा, तो आप लोग जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हो। तो सावधानी बरतिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो, डू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।